धोखेबाज है उद्धव ठाकरे, शाह बोले पहले फडणवीस को सीएम बनाने का किया वादा, फिर कांग्रेस एनसीपी की गोद में जा बैठे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शाह ने ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा ने पिछले साल ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नहीं गिराया, लेकिन वे शिवसैनिक थे जिन्होंने ठाकरे की नीतियों से थक चुके थे और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। शाह ने आगे कहा, मैंने और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2019 चुनाव से पहले ठाकरे से बातचीत की थी कि अगर एनडीए विजय हुआ तो फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री होंगे। इस पर उद्धव ने सहमति जताई थी। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ठाकरे ने वादा तोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी की गोद में बैठ गए। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अपना धनुष और तीर वापस मिल गया है और ये तय हो गया है कि असली शिवसेना कौन है। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को चुनौती देता हूँ कि वे तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, समान नागरिक संहिता और मुसलमानों के लिए आरक्षण पर सहमत है या नहीं, इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। शाह ने ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, आप दो पत्थरों पर खड़े नहीं हो सकते, आप राज्य के लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब पीएम मोदी देशवासियों को वैक्सीन दे रहे थे तब ठाकरे कार्यालय नहीं गए। कोविड-19 महामारी के दौरान कार्यालय नहीं जाने के लिए ठाकरे को आलोचना का सामना करना पड़ा था।